दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस खिलाड़ी की बात करने वाले हैं उनको जड्डू और रॉकस्टार जैसे नामों से क्रिकेट जगत में जाना जाता है। ये अपने बैट और बॉल से विरोधी टीम के पसीने छुटाने का दम रखते हैं और कई बार ऐसा कर भी चुके हैं। इनके क्रिकेट करियर को तो हम सभी जानते हैं, पर जो हम नहीं जानते वो है इनके क्रिकेट करियर से पहले के जिंदगी में स्ट्रगल के बारे में कि उन्होंने किस तरह से ये मुकाम हासिल करा। रविंद्र जडेजा की कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रविंद्र का जन्म 6 दिसंबर 1988 को गुजरात के जामनगर में हुआ था। रविंद्र के पिता का नाम है अनिरुद्ध जडेजा और वो एक वॉचमैन की नौकरी किया करते थे और वहीं दूसरी ओर उनकी माँ लता एक नर्स थी। उनके पिता चाहते थे कि रविंद्र एक आर्मी ऑफिसर बने, पर रविंद्र का शुरू से ही इंटरेस्ट क्रिकेट में था। उनकी एक बहन भी है। पूरा परिवार एक कमरे वाले फ्लैट में रहा करता था जो कि उनकी माँ को सरकारी अस्पताल द्वारा मिला हुआ था। जडेजा को नींद में चलने की भी आदत थी। पैसों की कमी के कारण परिवार रविंद्र को सुविधाओं भरी जिंदगी ना दे सका, पर रविंद्र को तो सिर्फ एक ही सुविधा की जरूरत थी और वो थी क्रिकेट। 10 वर्ष से भी कम की उम्र में ही जडेजा ने खुद को क्रिकेट की ओर पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। कम उम्र में ही उन्होंने बड़े लड़कों के साथ खेलना भी शुरू कर दिया था। कई बार बड़े लड़के उनको खेलने का मौका नहीं दिया करते थे और तंग किया करते थे। इसी समय पर जडेजा एक ऐसे इंसान से भी मिले जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। महेंद्र सिंह चौहान यूं तो एक पुलिस ऑफिसर थे, पर उनके बचपन के शौक क्रिकेट ने उनका साथ नहीं छोड़ा था और इसीलिए वो छोटे बच्चों को क्रिकेट में ट्रेन किया करते थे। कहते हैं ना कि जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने पूरे करने में लग जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कोच थे। उनके पास पिन गेंदबाजी सिखाने की एक यूनिक टेक्निक थी। वो पिच के बीच में एक बच्चे को खड़ा करते थे और जडेजा को कहते थे कि वो बॉल उसके साइड से स्पिन करा के विकेट पर बोल करे। उनकी कोचिंग जितनी अच्छी थी उतनी ही स्ट्रिक्ट भी थी। उन्होंने ना जाने कितनी बार रूल्स तोड़ने के लिए जडेजा को चांटे मारे थे, पर अब जब जडेजा वापस उस समय की ओर देखते हैं तो उन्हें उस स्ट्रिक्टनेस की कीमत समझ आती है। जडेजा ने पहले एक फास्ट बॉलर के तौर पर शुरुआत करी थी, पर अपने कोच के कहने पर उन्होंने स्पिन गेंदबाजी को अपनाया। एक बार एक मैच में जडेजा बहुत महंगे साबित हो रहे थे, तब उनके कोच ने उन्हें पिच के बीच में जाकर एक चांटा लगाया। इसके बाद उन्होंने उसी मैच में 5 विकेट्स निकाले। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट में भी डेब्यू कर लिया था। वो आगे चलकर इस टीम के वाइस कैप्टन भी बने। इसी वर्ष उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनको हिला कर रख दिया। उनकी माँ एक एक्सीडेंट में गुजर गई। इसके बाद जडेजा जिस ट्रॉमा से गुजरे उससे उन्होंने क्रिकेट छोड़ने तक का फैसला कर लिया था। इस समय पर उनकी बहन ने उन्हें इमोशनली सपोर्ट करा और वापस क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू करने को कहा। उनकी माँ का सपना था कि वो अपने बेटे को इंडिया की ओर से खेलते हुए देखें। बस फिर क्या था, वो अपनी माँ के इसी सपने को सच करने में लग गए। जडेजा ने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला और उसमें अपने प्रदर्शन से जडेजा ने सभी को इम्प्रेस करा। 2006 में ही उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी डेब्यू कर लिया था। जो बात आपको नहीं पता होगी वो ये है कि 2012 में वो क्रिकेट के इतिहास के 8वें ऐसे खिलाड़ी बने जिसने 3 बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरीज लगाई थी। इनके पहले ऐसा सिर्फ डॉन ब्रैडमैन, ब्रायन लारा, पॉन्सफोर्ड, हैमन, माइक हसी, ग्रेस और ग्रेम हिक ने करा है। जडेजा ने 2009 के फरवरी में अपना इंटरनेशनल डेब्यू भी करा जिसमें उन्होंने नाबाद 60 रनों की पारी खेली। इसके बाद से ही इन्होंने कई मैच जिताऊ पारी खेली हैं और खुद के लिए टीम में एक महत्वपूर्ण जगह बनाई है। वो 2012 के चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट विकेट टेकर बनकर आगे आए और 2013 में उन्हें ओडीआई क्रिकेट में आईसीसी नंबर 1 बॉलर का भी खिताब मिला। अनिल कुंबले के बाद ये पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिसने ये खिताब अपने नाम करा है। उनके आईपीएल करियर की बात करी जाए तो 2008 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलना शुरू करा था। इस सीजन राजस्थान ही आईपीएल जीती थी और इसमें जडेजा का अच्छा योगदान था। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान शेन वॉन जडेजा के प्रदर्शन से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने जडेजा को रॉकस्टार नाम दिया। 2011 में उन्हें कोची टस्कर्स केरला ने खरीद लिया और इसके अगले साल वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल हुए। इस ऑक्शन में जडेजा सबसे महंगे खिलाड़ी थे और वे अभी भी चेन्नई की टीम में ही हैं और अब वहां वो एक स्टार प्लेयर बन चुके हैं। अपने कोच से ग्राउंड के बीच में चांटा खाने से लेकर आज इंटरनेशनल क्रिकेटिंग स्टार बनने तक का सफर आसान नहीं था, पर वर्थ इट था। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो 2016 में उन्होंने रिवाबा सोलंकी से शादी करी। तो दोस्तों ये थी कहानी सर रविंद्र जडेजा की। और दोस्तों अभी आईपीएल सीजन है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकती हैं।